ये है चेंजिंग रूम, यहाँ पे अपने हम शूज़ बॉयलर सूट वगैरह चेंज करके और फिर इस दरवाजे से इंजन रूम में जाएंगे। ये इंजन रूम अवर ECR रूम, इंजन कंट्रोल रूम। हियर है फॉर कॉफी मशीन अवर। AC यूनिट, इलेक्ट्रिकल पैनल और ये है इंजन कंट्रोल पैनल। मेन ECR का, मेन इंजन का यहाँ से सब कंट्रोल कर रहे हैं। ये अलग अलग गेजेस हैं सब। ये RPM का है, रडर का है, ये टेलीग्राफ है, और ये रेस्ट एरिया है, ये इलेक्ट्रिकल पैनल जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। ये सिंक्रोनाइजिंग पैनल है, तीन जनरेटर हैं, तीनों जनरेटर के सिंक्रोनाइजिंग।
स्पेयर रूम है, ऑल इंजन पार्ट्स स्पेयर इज हेयर। एक टर्बो खोला हुआ है, जनरेटर है टर्बो। ये वेल्डिंग एरिया है, वेल्डिंग मशीन है। ये यहाँ पे जितने भी हमारे चैन कूलिंग वगैरह के लिए सामान है। स्टीयरिंग रूम है, ये स्टीयरिंग रूम है। ये ऑयल ड्रम रखे हुए हैं, लूब ऑयल ड्रम फॉर स्टीयरिंग। ये पेंट रखा हुआ है, सारा पेंट जहाज में पेंट करने के लिए केमिकल्स हैं। ये स्टीयरिंग है, अगर पावरली काम नहीं कर रहा है स्टीयरिंग तो ये मैनुअली चला सकते हैं आप इससे। ये इसका हाइड्रोलिक है, पावर पैक, हाइड्रोलिक पावर पैक। ये पैसिव जनरेटर है, जनरेटर के बाद प्योरीफायर रूम यहाँ पे हम HF को और डीजल को प्योरीफाई करते हैं। ये प्योरीफायर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्योरीफायर रूम। ये प्यूरीफायर को चलाने के लिए मोटर से सप्लायर, कूलिंग के लिए है। इसी फ्लोर पे आ गए हैं,
हैं।